जैन दोस्तों, मैं सुरेश सर। दोस्तों, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल पर एक वीडियो तैयार किए हैं और वो स्थल किस प्रांत में, इसकी खोज किसने की, कब की और किस नदी के तट पर स्थित है। तो हमने एक पूरी वीडियो बनाई इस पर और इस तरह के क्वेश्चन आते भी हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आता है हड़प्पा। अगर हम हड़प्पा की बात करते हैं तो हड़प्पा कहाँ स्थित है? पंजाब प्रांत के मॉन्टगोमरी ज़िले में स्थित है। और अगर नदी की बात आती है तो रावी नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1921 में किसने की थी? दयाराम सहनी। तो दयाराम सहनी ने हड़प्पा की खोज की थी 1921 में। सेकंड हमारा आ जाता है दोस्तों मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला या सिंधु का भाग कहा जाता है। और इसकी खोज 1922 में किसने की थी दोस्तों? राखल दास बनर्जी ने की थी। और सिंधु प्रांत के लड़काना जिले के सिंधु नदी तट पर स्थित है, जो पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं सुतकांगेडोर। तो सुतकांगेडोर की अगर हम बात करते हैं तो सुतकांगेडोर बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। तो बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। इसकी खोज आर.एन. स्टाइन ने 1929 में की थी। ये दास्त या दास्क नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं चौहुदड़ो। चौहुदड़ो ये आपका पड़ता सिंधु प्रांत में है। और चौहुदड़ो की खोज 1931 से 1935 के मध्य में किसने की थी? एनजी मजुमदार, यानी ननी गोपाल मजुमदार ने इसकी खोज की थी। और ये भी सिंधु प्रांत के सिंधु नदी के तट पर स्थित है, पाकिस्तान में। इसके बाद हम आ जाते हैं अमरी। अमरी एनजी मजुमदार ने 1935 में खोज की। ये भी आपका सिंधु नदी के तट पर स्थित है और सिंधु प्रांत में स्थित है। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं रंगपुर। रंगपुर ये गुजरात प्रांत में है और मादर नदी के तट पर स्थित है। और दोस्तों इसकी खोज 1953 और 54 में किसने की थी? रंगनाथ राव और इनके सहयोगी थे मैके। तो दोनों लोगों ने मिलकर के रंगपुर की खोज की थी। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं कोट दिजी। थोड़ा सा मिस्टेक है, कोट दिजी होना चाहिए। तो कोट दिजी ये आपका कहाँ पड़ता है? कोट दिजी आपका सिंधु प्रांत के सिंधु नदी के तट पर है और पाकिस्तान में स्थित है। दोस्तों फजल अहमद खान ने 1955 से 57 के मध्य में इसकी खोज की थी। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं आपका रोपड़। रोपड़ जो है ये आपका पंजाब प्रांत के सतलज नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने कब की थी? 1953 में की थी। इसके बाद अगले पॉइंट में बच्चों आज दोस्तों आ जाते हैं कालीबंगा। तो अगर हम कालीबंगा की बात करते हैं तो कालीबंगा ये आपका घग्घर नदी गंगानगर जिले के, ये राजस्थान में स्थित है दोस्तों। तो राजस्थान के गंगानगर जिले के घग्घर नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1953 में से, मैंने 53 से इसकी खुदाई चालू हुई और 60 तक गई है। तो 1953 में किसने की थी दोस्तों? तो बीबी लाल अमलानंद घोष ने की थी। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं लोथल। तो लोथल आपका भगवा नदी के तट पर स्थित है और गुजरात प्रांत में स्थित है। तो गुजरात प्रांत में स्थित है और इसकी खोज 1953 नहीं है दोस्तों, 1957 है। तो 1957 में कितने की थी? या शाह राव ने लोथल की खोज की थी दोस्तों। इसके बाद हम आ जाते हैं आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर आपका उत्तर प्रदेश मेरठ ज़िले में स्थित है। इसकी खोज 1953 में यज्ञदत्त शर्मा ने की थी और हिडन नदी के तट पर ये स्थित है। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं सुरकोतड़ा। तो सुरकोतड़ा ये आपका गुजरात प्रांत में स्थित है और इसकी खोज
64 में जगपत जोशी ने किया था और यही एक प्लेस है जहाँ के घोड़े की अस्थियों के साक्ष पाए गए और जो कि घोड़े की अस्थियों पर एक विवाद भी रहा है, क्योंकि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि घोड़े की अस्थियाँ कहाँ से पाई गई, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के साक्ष थे नहीं, क्योंकि घोड़े जब आर्य भारत आए थे तो आर्य अपने साथ लेकर आए थे, तो घोड़े थे नहीं, तो घोड़े की अस्थियाँ पाई कहाँ गई। तो इस बात को लेकर के सुरकोतड़ा में विवाद रहा है दोस्तों। बनवाली एस आर बिष्ट ने ये 1973-74 में की थी दोस्तों, और सरस्वती नदी के तट पर स्थित है और ये हरियाणा प्रांत में है, ठीक है दोस्तों। राखी गढ़ी की अगर हम बात करते हैं तो सरस्वती नदी के तट पर ये भी हरियाणा प्रांत में दोस्तों स्थित है और इसकी खोज अमरेंद्र नाथ ने 1998 2001 और बी एस सिंधे ने अभी 2022 में किया था और ये भी हरियाणा प्रांत में। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं धौलावीरा। तो धौलावीरा की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो ये गुजरात प्रांत में है। तो धौलावीरा की अगर खोज की हम बात करते हैं तो 1969 में इसकी खोज की थी जगपत जोशी ने और इसकी खुदाई किसने करवाई थी तो 91-92 में इसकी खुदाई करवाई थी अरविंद सिंह बिष्ट ने। तो अरविंद सिंह बिष्ट ने इसकी खुदाई करवाई थी और ये भी आपका गुजरात प्रांत में है। कुड़ाल जो है ये आपका सरस्वती नदी, ये भी हरियाणा में दोस्तों, और इसकी खोज जे एस खत्री द्वारा 1986 में कराई गई। तो दोस्तों ये हमारा प्रमुख स्थल रहा सिंधु घाटी सभ्यता का। तो इसी तरह से हम आप लोगों को अलग अलग वीडियो लेके आते रहेंगे दोस्तों। तो अगर वीडियो हमारी पसंद आती ज़रूर आप लोग इसको वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।